पिछले काफी समय से गर्मी से तप रहे शहर को मानसून की पहली बारिश ने राहत तो दिलाई है, लेकिन साथ ही स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी है। पहली बरसात के साथ ही सिवान में नगर परिषद की पोल खुल गई है, सड़कों पर भारी जल भराव हो गया है। आम लोगों का तो दूर, वाहनों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। शहर के कई हिस्से तो 3-3 फीट पानी में डूब गए हैं, सड़कें नदियां बन गई हैं। सिवान में गुरुवार की सुबह से हो रही लगातार बारिश ने राहत के साथ साथ लोगों के लिए परेशानियां भी खड़ी कर दी हैं। पूरा सिवान शहर डूब गया है। नगर परिषद के 3800 वार्ड नदी में तब्दील हो गए हैं। सभी वार्डों में घुटने तक पानी लगा हुआ है। सबसे बुरा नज़ारा तो मुख्य पथ राजेंद्र पथ, बबुनिया मोड़, अस्पताल मोड़, थाना मोड़, पुरानी किला, मखदूमसराय, महादेवा, लक्ष्मीपुर सहित अन्य मोहल्लों का हुआ है, जहां लोगों का घर से निकलना दुभर हो गया है। लोगों के घरों में पानी तक घुस गया है, लेकिन नगर परिषद के ना तो कार्यपालक पदाधिकारी और ना ही सभापति महोदय के कानों में आवाज़ जा रही है। पूरा शहर इस समय परेशान है। अब बरसात का ये पानी कब सूखता है और कब सिवान के लोगों को राहत मिलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए बिहार में जब से ठीक ठाक बहुत बुरा हाल है, आप देख सकते हैं बहुत जैसा लग रहा है। मुंबई में मानसून के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लगातार 3 दिनों से सिवान में जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश जो है वो नगर परिषद की पोल खोल रखी है कि नगर परिषद के द्वारा जो नालों की साफ सफाई है किस तरह से है और बरसात को लेकर जो नगर परिषद है वो किस तरह की व्यवस्था की है उस साफ सबकी पोल जो ये बरसात है उसने खोल दिया। अभी इस वक्त हम खड़े हैं सबसे भीड़ भाड़ इलाके बबुनिया मोड़ पे। बबुनिया मोड़ ये चौराहा है, आप देख सकते हैं ये जो सड़क है, ये जो मुख्य मार्ग है, मुख्य नगर थाना को जाता है, समाहरणालय को, नगर थाना, समाहरणालय, नगर परिषद, कचहरी रोड, ये सब जाता है और आगे चल के मैरवा रोड गोरखपुर की तरफ चला जाता है। अभी एक पुलिस के अधिकारी की भी गाड़ी जा रही है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो आप हालत देख रहे हैं पूरी तरह से वो झील में तब्दील हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुंबई के मरीन ड्राइव में हम लोग हैं, जहाँ समुद्र का नज़ारा आप दिख रहा है। पूरी तरह से झील में जो है वो जो शहर है वो पूरी तरह से झील में तब्दील हो चुका है। हम दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे, ये जो आपको सड़क है ये मुख्य मार्ग माना जाता है, ये पटना के लिए यहाँ से बसें मिलती है, पटना के लिए ये रास्ता जाता है और इसको राजेंद्र पथ के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो स्थिति वो काफ़ी जर्जर है। देखिए वहाँ एक बाइक वाले की बाइक फंस गई है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से पानी लगा हुआ है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, किसी तरह धक्का देके वो बाइक लेके जा रहा है। आप देख सकते हैं घुटने भर पानी लगा हुआ है, यानी कि एक ही बरसात में 3 दिनों की बरसात में नगर परिषद की पोल खोल के रख दी है। अब देखना है कि आने वाले समय में नगर परिषद बरसात के लिए क्या तैयारी करता है। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के लिए सचिन कुमार तिवारी।
दो दिनों से पड़ा हुआ है कचरा, और डेली का यही यहाँ का नियम है कि कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे उठ रहा है। और देख लीजिए यहाँ पानी की समस्या, नगर परिषद नाली की सफाई बढ़िया से नहीं करा पा रहा है, कितने बार कंप्लेन किया गया लेकिन कोई किसी को कान में जू रेंगने वाला नहीं है। पूरा शहर झील में, पूरा शहर यहाँ पर लग रहा है मछली पालन का धंधा हो जाएगा पूरा शहर में। और ये जो कचरा है वो पानी में भी बह रहा है, पानी में बह रहा है, बीमारी का पूरा देख रहे हैं अभी, तरह तरह का बीमारी फैला हुआ है, तब ही हाल है। पानी लग गया घुटने भर से ऊपर पानी लगा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। साफ सफाई थोड़ा भी नहीं हुआ है, पानी थोड़ा सा भी साफ सफाई नहीं हुआ है, ये आप देखिए कल से नहीं उठाया कचरा। अच्छा, और पानी हो रहा है उसी में, कचरा उसी पड़ा हुआ, उसी तरह पड़ा हुआ है, बीमारी फैले उसको नगर परिषद को टैक्स चाहिए, सिर्फ टैक्स अपना जितना से जितना अधिक हो वो चाहिए, लेकिन साफ सफाई नहीं होगा।